नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस हरियाणा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान होना है। 5 अक्टूबर अब ज्यादा दूर नहीं है, यानी कि आज जो है वो 3 तारीख है। 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के बीच में केवल और केवल 4 तारीख है, और इस दिन में जो है मतदाता ये ध्यान रखेगा, ये निर्णय लेगा कि आखिरकार उसे मतदान किसको करना है। आज की तारीख शाम 6 बजे तक, यानी कि 3 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक जो है वो प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। 6 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। अंतिम छोर पर यहाँ पर चुनाव प्रचार पहुंच चुका है। इस अंतिम छोर में सभी प्रत्याशी जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और इसी के चलते सोना तावड़ो विधानसभा में भी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी ताकत पूरी झोंकी है। कहां पर झोंकी है, क्या किया है, ऐसी जनसभा देखने को मिली है जिसने कि कहीं ना कहीं माहौल को जो है वो बदलता हुआ दिखाया है। आपको बता दूं कि कल सोना तावड़ो विधानसभा, बीते रोज जो है सोना तावड़ो विधानसभा के मारुति कुंज के अंदर तेजपाल तंवर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक ऐसी जनसभा की जिससे कि थोड़ा माहौल जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जनसभा के अंदर कौन आया और किस वोटर को लुभाने की कोशिश की गई, यही बताऊंगी आपको। वोटर में लुभाने की कोशिश की गई प्रवासी वोटर्स को। जी हाँ, मारुति कुंज के अंदर ज्यादातर प्रवासी वोटर्स जो है वो रहते हैं, और उन्हें प्रवासी वोटर्स को लुभाने के लिए सोना तावड़ो विधानसभा के मारुति कुंज के अंदर तेजपाल तंवर ने एक ऐसी जनसभा की जिसमें भारतीय जनता पार्टी से ही दिल्ली में सांसद मनोज तिवारी को बुलाया गया। जी हाँ, मनोज तिवारी यहाँ पर जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और यहाँ पर प्रवासियों को जो है भारतीय जनता पार्टी के बटन पर मोहर लगाने की, वोट करने की यहाँ पर अपील करते हुए नजर आए। ये भीड़ इस बात का सबूत है कि यहाँ पर मनोज तिवारी के जो प्रशंसक हैं, मनोज तिवारी से प्यार करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और साफ तौर पर तेजपाल तंवर का जो मारुति कुंज में ये दाव जो उन्होंने खेला है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करने में और वोटर्स को लुभाने में जो है वो कामयाब होता हुआ नजर आया है। तेजपाल तंवर का इस बारे में क्या कुछ कहना है, चलिए वही सुनते हैं। आज मनोज तिवारी जी, अभी मैं खोरी में था, वो तावड़ो खोरी में भी गए थे, कम से कम 25,000 आदमी इकट्ठा था, खुले में खड़ा था, बहुत जबरदस्त, और उन्होंने सबने समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी का, भारी मतों से वो जिताएंगे। और तिवारी जी और यहाँ पर भी यही बात होगी, ये पहले ही से हमारे साथ थे, अब जो थोड़ी बहुत कसर थी वो पूरी हो जाएगी, ये पक्के हो जाएंगे। बहुत अच्छा माहौल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और बहुत अच्छी वोटों से यहाँ से हम ये हमारी सीट निकलेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि तेजपाल तंवर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मनोज तिवारी को बुलाया गया है, अच्छा समर्थन मिल रहा है, और उन्हें विश्वास है कि जो सोना तावड़ो विधानसभा है उसकी जो मतदाता है वो उनके ऊपर विश्वास जताने वाले हैं। इसी पर जो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे मनोज तिवारी, उनका क्या कुछ कहना, हालांकि उनकी तबीयत यहाँ पर खराब थी, गला खराब था, लेकिन दो बात उन्होंने तब भी कही है, ये सुनिए। मगर हरियाणा में हम जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि खुद मनोज तिवारी जो है वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है प्रवासी वोटर से वोट की अपील की है, और ये चाहा है कि इस बार एक बार फिर से हरियाणा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, सोना तावड़ो विधानसभा से जो है वो तेजपाल तंवर एक बार फिर से विधायक बने। अब देखना ये होगा कि आखिरकार तेजपाल तंवर का जो ये दाव है वो कितना कामगर रहता है, और क्या तेजपाल तंवर प्रवासी वोटर्स को लुभाने में यहाँ पर मतदान वाले दिन कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ये पता तो तभी चलेगा जब रिजल्ट आएगा, यानी कि 8 अक्टूबर को इसकी पूरी जानकारी जो है वो मिल पाएगी। लेकिन आपके इस बारे में क्या कुछ राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।